आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी ऑपरेशन करने की परमिशन मिलने के बाद मंगलवार को प्रदेश भर में आईएमए के डॉक्टर्स ने सरकार के फैसलों के खिलाफ भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें यमुनानगर नेहरू पार्क की, जहां डॉक्टर्स ने मिक्सोपैथी के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो मजबूरन उन्हें अपना आंदोलन तेज करना होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि वो मिक्सोपैथी जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और वो इसे लागू नहीं होने देंगे। डिमांड यहाँ तक रोष प्रदर्शन और सिलसिलेवार भूख हड़ताल है। आप सबको ज्ञात है कि आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष की डिसिप्लिन को आयुर्वेदक 58 सर्जरी अलाउ करना। पहले मैं ये बात साफ करना चाहूँगा कि हम आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं, वो हमारा इतिहास है, हमारा गौरवमय इतिहास है, परंतु इतने बीते सालों में हमने कोरोना काल में कोरोना को लगभग काफ़ी हद तक कम किया है और इस संघर्ष के दौरान मेरे 735 साथी अपना जान गंवा चुके, जिनको मैं ये श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं। और इस काल में अगर आप 58 सर्जरीज का नाम लें, आप सब प्रेस के साथी हैं, भाई हैं, आई सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये दो साल जो एक बच्चा हमारा नीट के एग्ज़ाम दे के MBBS करके MDMS करके फिर कहीं ट्रेनिंग लेके सीखता है, आयुर्वेदा में सिर्फ दो साल में उसको ऑथराइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप सबको आपके माध्यम से सारे देश को समझाना चाहते हैं, ये जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, क्योंकि वो बेचारे को तो पता ही नहीं है वो इलाज क्या करा रहे हैं। एक साथी ने, भाई ने पूछा दिल्ली में कि डॉक्टर साहब आप इससे डर रहे हैं। ऐसे मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं देश के चिकित्सा भविष्य के लिए डर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जो हूँ मेरी जो पद्धति है वो तो रहेगी, पर कॉम्प्लिकेशन करा के मरीज आए कौन ये देखेगा कि 58 तरह के ऑपरेशन ये मॉनिटर करेगी, ये बहुत गलत है। और आपके माध्यम से देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि इसके खिलाफ में हम विरोध करेंगे, पुरजोर करेंगे, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स सरकार के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और साफ किया है कि अगर सरकार जल्द ही अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय की गुहार लगाएं, लेकिन नए फैसले को लागू नहीं होने देंगे। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी TV।